नाउ एज वी ऑल नो कि वन पीस फिल्म रेड की कैम रिप अवेलेबल हो गई है ऑन द इंटरनेट एंड इसका जो इंडियन रिलीज है वो अक्टूबर में 5-6-7 को होगा मे बी। पीवीआर आईमैक्स ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि इसका रिलीज होगा इंडिया में, बट डेट थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। वी ऑल नो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी रिलीज हुई है इंडिया में एंड इट हैज शोन ए ग्रेट रिस्पॉन्स। पहले ही वीक में इस मूवी ने 5 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन की थी, विच हैज मोर कलेक्शन जुजुत्सु काइसन इटसेल्फ। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस कि जुजुत्सु काइसन खराब था या ड्रैगन बॉल अच्छा है या ड्रैगन बॉल खराब था, नो इट इज नॉट अबाउट दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है एनिमे के लिए वो ज्यादा बढ़ चुका है एंड ड्रैगन बॉल बीइंग एन ओजी एनिमे इसकी ऑडियंस काफी ज्यादा लॉयल और अच्छी है एंड आई रियली लव हाउ द क्रिएटर्स हैव शोन देयर एफर्ट्स टू प्रमोट दिस मूवी एज मच एज दे कैन ऑन देयर लेवल। अब ये जो मूवी है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी, इस मूवी से क्या कनेक्शन है रेड फिल्म का और ये क्यों बिगेस्ट रिलीज हो सकती है इंडिया की? अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों ड्रैगन बॉल को और वन पीस को भी ऐसा ही रिस्पॉन्स कैसे मिल सकता है? नाउ एज वी ऑल नो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी ये पहली ऐसी एनिमे मूवी है जो कि 3 languages में रिलीज हुई है इंडिया में, हिंदी इंग्लिश एंड जापानीज एंड मे बी ये बाद में रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब होकर रिलीज हो। अब ये एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है ऑन द कम्युनिटी। अब कई लोग मूवीज ऐसे सबटाइटल्स में देखना पसंद नहीं करते, कई लोग इंग्लिश में देखना नहीं पसंद करते, तो वो हिंदी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब जुजुत्सु काइसन की रिलीज के साथ क्या था कि वो बस जापानीज में आई थी, मे बी इंग्लिश रिलीज नहीं हुआ था उस टाइम पे। अब इसके वजह से जो इस मूवी को देखने नहीं जा पाई थी जुजुत्सु काइसन, तो वो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी देखने जा रही है एंड मे बी अपकमिंग वीक्स में ड्रैगन बॉल की जो रिलीज है वो और ज्यादा बिग हो जाए और ज्यादा कलेक्शन वो करे एंड सेम चीज वन पीस फिल्म रेड के साथ भी हो सकती है अगर वो रीजनल लैंग्वेजेस में डब हो एंड और ज्यादा स्क्रीन्स उसको मिले एंड अगर ग्रेटर सपोर्ट हो कम्युनिटी का तो क्यों नहीं ये रिलीज अच्छी खासी हो सकती है वन पीस फिल्म रेड की। सो आई अर्ज ऑल द क्रिएटर्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमने अपना वीडियोस बनाना छोड़ भी दिया है या यू आर ऑन अ ब्रेक नाउ और अगर तुम अपने चैनल पर भी एक्टिव रहते हो तो भी तुम अपने चैनल पर इस चीज को नोटिफाई करो कि ड्रैगन बॉल की मूवी वो देखने जाए तुम्हारी ऑडियंस। और ये सारे रिलीजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, आज हम जितना अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे, आज हम जितना ज्यादा प्रॉफिट देंगे उनको, उतना ही ज्यादा रिटर्न हमें मिलेगा इन फ्यूचर। नाउ एज वी ऑल नो कि वन पीस फिल्म रेड की जो हाइप है वो ज्यादातर शैंक्स के लिए है, शायद पहली बार वन पीस में उसे इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। नॉनदलेस इट इज अ फिलर बट आई एम श्योर अबाउट इट कि ओडा ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा। टॉकिंग अबाउट द एनिमेशन ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म का जो पूरा कैम रिप है वो अवेलेबल हो गया है और उसके हिसाब से एनिमेशन जो है वो काफी बढ़िया है इस मूवी की। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी ऑफ द स्टोरी क्योंकि वो ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, थोड़ी सी भी चीज मैं नहीं बता सकता या नहीं बताऊंगा। एज एन वन पीस फैन आई वुड रियली रिकमेंड यू कि इसका कैम रिप मत देखो, जाके हॉल में देखना इस मूवी को एंड जो ड्रैगन बॉल वाली मूवी है उसको भी एक ट्राई देना। एंड सेकेंडली जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वन पीस कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटीज के बीच में, इट वॉज रियली सैड टू लुक एट क्योंकि एक एनिमे के लिए कोई बंदा कितना ही डिफेंडिव हो सकता है। आई वॉन्टेड टू मेक ए फुल फ्लेज वीडियो ऑन इट और मैं इस चीज को ज्यादा फ्लेम नहीं देना चाहता था तो मैंने इस पे बात नहीं की, बट एज द रिलीज इज नियर मुझे पता है कि काफी सारी और चीजें होंगी, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि बस एक बंदे के लिए पूरी कम्युनिटी को जज ना किया जाए। अभी तक तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है एंड ऐसा ही चले तो काफी बढ़िया है, काफी अच्छी बात है। एंड मैं उन फैंस को ये कहना चाहता हूँ जो कि सोचते हैं कि वन पीस या ड्रैगन बॉल या नारुतो या बेब्लेड परफेक्ट मास्टरपीस है, इट इज योर पर्सनल ओपिनियन और उसको एक पर्सनल बेसिस पे ही लेकर देखो। अब हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, हर एक चीज के फ्लॉज एंड सिंस रहते हैं, वन पीस की भी अपने फ्लॉज एंड सिंस हैं, तो वन पीस एक मास्टरपीस है, यू शुड वॉच इट, यू आर नॉट वॉचिंग इट योर लाइफ इज वर्थलेस एंड ये वो। एंड इट इज अ फैक्ट कि वन पीस काफी लंबी है एंड इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम यू कैनॉट वॉच इट सिंपली। ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आउट लाउड कहना चाहता था। एंड इवन इफ यू डू नॉट लाइक जुजुत्सु काइसन, ड्रैगन बॉल या इतने भी एनिमे मूवी रिलीज हो रहे हैं इंडिया में, टू सपोर्ट एनिमे इटसेल्फ इफ यू कैन टॉलरेट इट, प्लीज गो एंड वॉच इट। दीज आर द स्टार्टिंग स्टेजेस जहां पे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है मूवीज को। एंड फन फैक्ट अबाउट दिस फिल्म कि ये फिल्म जो है ये अपने स्टैंड आउट करने की कोशिश करती है। दिस फिल्म इटसेल्फ इज वेरी क्रिएटिव, ओडा ने कुछ नया करने की कोशिश की है। इट इज नॉट एन वन पीस ट्रेडिशनल फिल्म जहां वन पीस स्ट्रॉ हैट्स और सारे मिलकर लड़ रहे होते हैं, दिस इज अ वेरी क्रिएटिव फिल्म। तो ओवरऑल ये मूवी जो है ये काफी न्यू हो सकती है वन पीस फैंस के लिए, ये काफी ज्यादा स्टैंड आउट करेगी। द कैरेक्टर्स, म्यूजिक, डेवलपमेंट ऑफ द मूवी, एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट।
अब जो भी है, मैंने ज़्यादा इस मूवी को नहीं देखा बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच इट ऑन बिग स्क्रीन और मैं अपना मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता था. बट ओवरऑल जितने भी रिव्यूज़ पड़े हैं इंटरनेट पे उसके अकॉर्डिंगली एंड मैंने जितना देखा, इट इज़ अ गुड मूवी. थोड़े बहुत ऊपर नीचे 19-20 चलती है. एंड अगेन आई वुड लाइक टू अर्ज ऑल द क्रिएटर्स, जस्ट प्रमोट दीज मूवीज़ जो कि इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर फ्यूचर. नाउ मे बी फिल्म रेड जो है वो भी हिंदी डब हो जाए. इट रियली डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस एंड जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं, सारे अपने पर्सनल लेवल पर मूवीज को प्रमोट करने की कोशिश करो. इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, सारे हमारे ही हाथ में है. ड्रैगन बॉल, वन पीस एंड एवरी रिलीज दैट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर. और इसी वेल विशिंग के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा. सो इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून टू द चैनल. और फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा.